वेलकम टू डेली नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने इस चैनल पर मैं आपके लिए बहुत ही खास खबर लेकर आई हूं। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 1 CDS एग्जाम 1 2020 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूपीएससी साल में 2 बार CDS का एग्जाम कंडक्ट करता है। इस बार यूपीएससी 418 वैकेंसीज लेकर आया है। तो यदि आप भी लंबे समय से यूपीएससी CDS एग्जाम 1 की वेट कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है। यूपीएससी CDS एग्जाम भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में कमीशन ऑफिसर्स की भर्ती के लिए आयोजित करते हैं। लाखों उम्मीदवार इस नेशनल लेवल टेस्ट के लिए उपस्थित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डिटेल में और प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाली हूं, मतलब कि हाइलाइट्स ऑफ वीडियो की बात करते हैं। यहां पे एग्जाम लेवल, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक नेशनल लेवल एग्जाम है। एग्जाम मोड, टाइम, फीस, पर्पस क्या है एग्जाम का, CDS में कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया 418 वैकेंसीज यूपीएससी लेकर आया, और कितनी टेस्ट सिटीज हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। जो यूपीएससी CDS एग्जाम 2020 आया है, इसकी डेट्स क्या है इंपॉर्टेंट। जो स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 30 अक्टूबर 2019 है, और जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन है वो 19 नवंबर 2019 शाम 6 बजे तक है। तो मतलब आप भी अगर इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने आवेदन जमा कर दीजिए, और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हैं 26 नवंबर 2019 से 3 दिसंबर 2019 की शाम 6 बजे तक। एग्जाम के 3 हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एग्जाम की डेट है वो भी यूपीएससी ने जारी कर दी है नोटिफिकेशन में, और इस बार जो एग्जाम होगा वो 2 फरवरी 2020 में होगा। अब हम बात करते हैं कि इस CDS एग्जाम, जो कि लाखों लोगों का सपना होता है CDS एग्जाम को क्रैक करना, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एज लिमिट, फिर हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जैसे SSC कोर्स फॉर मेन, SSC वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए अलग अलग एज लिमिट है, और आप देख सकते हो कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है और आप उसके अकॉर्डिंगली एज चेक कर सकते हो। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने IMA और OTA के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास जो है एक डिग्री का होना अनिवार्य है, और जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और अगर आप इंडियन नेवल अकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास डिग्री इन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एयरफोर्स अकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, और आपके पास या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तुरंत हमारी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। जो इस बार यूपीएससी ने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है वो रखी है 200 रुपये, और आप उसे या तो कैश में जमा करा सकते हो SBI में, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऑफ SBI, या फिर आप वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया बात है, जो फीमेल SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हुई इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब हम और आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि मतलब यूपीएससी ने इस बार क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा है। यूपीएससी इस एग्ज़ाम में एक रिटन टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करेगा, मतलब 2 स्टेजेस में जो है वो सिलेक्शन की जाएगी। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उन्हें SSB इंटरव्यू में भाग लेना होगा। तो दोस्तों, ये तो हुई डिटेल में एग्जाम की बात। तो अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया में कहीं से भी आवेदन कर सकते हो, और हर वर्ष की तरह इस साल भी आपको इस पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। अगर आप यूपीएससी की CDS एग्जाम का सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में हम आपके लिए एग्जाम पैटर्न का लिंक भी प्रोवाइड करते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, ये तो थी यूपीएससी CDS एग्जाम 1 2020 की पूरी जानकारी। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप dailynaukri.com के लिंक पर क्लिक करें, जहां पर जाकर आप इस भर्ती की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यूपीएससी का पोर्टल खुल जाएगा, और वहां से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ ही अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स लेकर आते हैं।